हाई गाइज वेलकम टू यट अनदर एपिसोड ऑफ अपने लोग आई एम सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डिले था हम लोग का ये अपिसोड और ये लाइक लास्ट एपिसोड और ये एपिसोड के बीच में इट वॉज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन बट वी आर बैक हेयर और अब हम लोग आए एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ गेस्ट दैट आप लोग बहुत टाइम पूछे कि कब आएँगे कब आएंगे हम लोग को सुनना है सो फाइनली आई हैव माई मोस्ट फेवरेट मैन इन दिस वर्ल्ड असत हेयर विद आसटडे हाय असद वेलकम टू आवर शो थैंक यू थैंक यू अच्छा मेरे को बोलो आपको कैसा दिख रहा फाइनली अपने लोगों में आना आप इतने दिनों से बोलते जा रहे थे आप सबको बुला रहे हैं मेरे से बात नहीं कर रहे तो टेल मी एक्चुअली बहुत अच्छा दिखा मेरे को आने से यहां पे क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सेम आना चाह रहा था लाइक यू नो आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन ऑन द शो बट लेटर ऑन मेरे को नहीं मालूम था आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे लाइक यू नो शो कैसा रहेगा तो मैं वही एक दो तीन जनों को देखा लाइक यू नो ऑब्जर्व करा कि लाइक यू नो आप हाउ यू आर बिहेविंग दैम क्वेश्चन क्या पूछे क्या नहीं पूछे उसके बाद से मेरे को हिम्मत हुई कि चलो भाई अब आप दे सकते हैं ठीक है वेरी गुड बट लेट मी टेल यू कि आप बहुत रिक्वेस्टेड थे एक्चुअली आप और अंकल बहुत mm -hmm. अंकल सब लोग हु शुड बी द नेक्स्ट गेस्ट पर तो आप लोग का नाम बहुत आ रहा था तो मे बी नेक्स्ट टाइम अंकल को भी लाना है टेल मी अपन दोनों की जब कॉन्वर्जेसन होती है मैं जब कभी बोलती हूँ असद आम यू आर सो लकी टू हैव मी असद का ऑलवेज इसका जवाब ये रहता कि जाके यूट्यूब के कॉमेंट्स पर उसमें मालूम होता कौन लखी है क्योंकि यूट्यूब में एवरीबडी सीम्स टू लव असद सो ट टेल मी कैसा दिखता है आपको इतने लाइक रहना ऑन यूट्यूब तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि पूरे जने आपको यूट्यूब में लाइक कितना करते हैं आपके कमेंट्स में लाइक यू नो पूरे कमेंट सेक्शन में क्या है आपकी तारीफ़ होती है तो मैं इससे यही बोल बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो नेचर है मेरा जो हम्बल नेचर है जो मेरे जो ओरिजिनल नेचर है वो आई थिंक लोग देख रहे हैं और वो लोग पसंद कर रहे हैं इसीलिए वैसे कमेंट्स डाल रहे हैं तो मैं लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे इतना प्यार दिया आप नॉर्मल क्योंकि कैमरा में एकदम हिंदी निकलती है अब आप, आप उर्दू में बात अपन जैसा घर बात करते वैसा कर सकते अच्छा, हैं क्योंकि उन लोग को मालूम मेरे यूट्यूब चैनल को आप कैसा बात करते हैं उन लोग कैमरा आ गया तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आई जस्ट वी को बोलो आपके एक्टिंग करियर के बारे में बोलो आपको जब एक्टर बनना था असद इज नॉट प्राउड ऑफ इट एट ऑल बट एक फेस था असद के लाइफ में व्हेन ही वांटेड टू बी एन एक्टर सो असद टेल अस अबाउट इट तो वो एक्टिंग का ऐसा था कि पापा की जो पिक्चर आई थी अजहर मूवी जो आई थी जो इमरान हाशमी ने करा था तो वो टाइम पे पप्पा थोड़े बिजी थे ज़्यादातर शूट में जा नहीं सक रहे थे उनके दूसरे ट्रैवल वावल कर रहे थे और इमरान हशमी को क्या है उनका कैरेक्टर का जो रोल है करना था बिल्कुल उनके वैसे दिखने का उनको था बात करने का तरीका ये वो सब था तो पापा ज़्यादा टाइम नहीं दे सके उसमें तो पापा मेरे को बोले कि तुम जाके इमरान हशमी को सिखाओ क्या है क्या है, नहीं है मैं कैसा बात कर तुम ये है तो अब मैं वो सिखाने सिखाने में क्या बोलते हैं मैं भी अपने में से निकल गया एकदम कि मैं ये समझा कि अरे ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये मैं भी कर सकता हूँ एक्टिंग बोल के जब एक एक्टिंग का एक शौक़ एक चढ़ा था बट एक दो ऑडिशन दिए बाद से मैं समझ गया कि ये अपनी क्या है नहीं कर सकते अपन अपनी अपने बस की बात नहीं है तो इसीलिए वहाँ से फिर मैं छोड़ दिया चलो अच्छा क्योंकि इतने टाइम होता मैं कहीं जाती हूँ कोई दोस्तों की संगीत प्रैक्टिस में या कहीं तो वो जो कोरियोग्राफर होता है था, इस मैं आपके हस्बैंड को सिखाया था और जब वो जब एक्टर बनना चाह रहे थे बिल्कुल मारो मैं मैं बहुत से चीज़ें छुपाया था मैं एक्टिंग करने के टाइम पे क्या क्या करा था बट वो बाद में पूरे चीज़ें निकल के आ आई सही है ओके इतने लोग गया हम लोग को यूट्यूब पे हमेशा पूछते रहते हैं कि व्हाट यू डू व्हाट यू डू सो टेल अस अ लिटिल अबाउट योर प्रोफेशन तो बेसिकली देखिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी आई कंस्ट्रक्शंस के नाम से तो उसमें मैं लाइक यू नो रियल इस्टेट के कामें करता हूँ लाइक यू नो प्लॉटिंग करता हूँ लाइक कंस्ट्रक्शन में लाइक like, अपार्टमेंट्स बनाता हूँ और ये छोड़ के सानिया मिर्जा टेनिस अकेडमी जो है वो भी मैं पूरी तरीके से रन करता हूँ मैं उसमें जो जो भी चीज़ें होती है जो जो भी करना है लाइक यू नो स्पोर्ट्स पर्सन को कैसा टूर्नामेंट्स करवाना है तो ये सब दोनों चीज़ें मैं करता हूँ और उसके बाद जब फ्री टाइम रहता उसमें आप मेरे हस्बैंड हैं तो मैं जो जो करती हूँ फ्री टाइम ज्यादा रहता तो इनको सताता मैं <laughs> तो ये सब बहुत ज़्यादा और फ्री टाइम में रील्स भी बनाते हैं <laughs> तो ऐसा अच्छा तो हम लोग को थोड़ा आपके क्रिकेटिंग के बारे में बोलो वैन आई मेट असद एक्चुअली हम लोग आज मिले थे इवन ड्यूरिंग हम लोग की जो कोर्टशिप पीरियड था असद जब यू नो ही वॉज ट्राइंग टू परस्यू हिज करियर इन क्रिकेट तो वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम दूर दूर कौन से कौन से के ग्राउंड पे जाके इनको क्रिकेट खेलते हुए देखना या जो भी तो उसके बारे में कुछ बोलिए तो वही जैसा कि लाइक यू नो जब मैं से जब मिला था तो जब मैं एक्टिवली क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा स्केड्यूल ऐसे ही था कि लाइक यू नो सुबह उठ के प्रैक्टिस जाना फिर शाम में लाइक यू नो फिर एक जिम सेशन होता था तो उसी में लाइक यू नो मैचेस वैचेज़ जब स्टार्ट हुए थे तो उनको बहुत सा ख्वाहिश थी कि एक जाके यू you नो know, मैचेस देखना और मेरे पे आके लाइक नज़र रखना कि लाइक कैसा खेल रहे क्या है क्या नहीं है ज़्यादा क्रिकेट मालूम नहीं बट कोच बन के हर एक जगह चलते थे तो एक एडिड प्रेशर था कि मैच में लाइक यू नो ऐसा कैसा आउट हो गए दस बॉल में आप दो रन कैसा बनाए या कैसा करें तो मैं बोला न क्रिकेटर मैं हूँ आप नहीं हैं आप एक सपोर्ट के लिए आके देख के एंजॉय करके जाइए आप मेरे को आके कोचिंग दे तो मेरे को और एक प्रेशर हो रहा तो एक तो बट फाइनली वो वो टाइम टाइम पे आप बोलते थे आओ आओ अभी ये सब बोल रहे तो, yeah. cricket. Cricket खेलना कैसा था? You know, था क्या था उसके बारे में क्रिकेट में बहुत ही यंग एज में स्टार्ट कर लिया था मैं ऑलमोस्ट अब मैं दस साल का था दस आठ या दस साल का था जब पापा के साथ लाइक नो जाता था जब वो प्रैक्टिस करने जाते थे तो मैं साथ उनके साथ जाता था बट वही जैसे कि उनको उन्हें देख के लाइक नो घर में लाइक सारे लोग क्रिकेटर्स थे हमारे चाचा खेलते थे हमारे सभी लोग लैके नो क्रिकेट खेलते थे तो जब वहाँ से इनिशियली मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया बट जब अराउंड फोटीन या फिफ्टीन ईयर्स का जब मैं था जब मुझे एकदम क्रिकेट सीरियस खेलने का था तो कोशिश करा खेलने की लाइक नो रणजी ट्रॉफी खेला गोवा से रणजी ट्रॉफी खेला और बाकी के स्टेट में लाइक नो अंडर ट्वेंटी फाइव अंडर ट्वेंटी टू में हैदराबाद से खेला तो मैं जो भी क्रिकेट खेला लाइक नो मैं उससे बहुत खुश हूँ मुझे बहुत खुशी हुई क्रिकेट खेल के एंजॉय करा मैं उस स्पोर्ट तो क्रिकेट से मैं हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ फ्यूचर में भी ओके हाउ इज इट फादर फाइनली अ गर्ल इन द हाउस डज इट फील लाइक आई थिंक वो सब में बेस्ट फीलिंग थी जब मैं फादर बना और जब मैं दुआ को अपने हाथ में उठाया तो एक बहुत ही इमोशनल हो गया था मैं क्योंकि लाइक यू नो जब अपनी चीज़ अपनी बेटी हो या बेटा हो तो जब मुझे एक एक अच्छी एक फीलिंग आई कि चलो एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी और जब उन्हें उसको दुआ को जब मैं हाथ में लेके लिया तो जब वी कैन दुआ <laughs> रोली <रुणी> सी तो <laughs> बट बहुत ही अच्छा एक स्पेशल ओकेशन स्पेशल मोमेंट था वो आई थिंक वो अब जितना भी अगर आप बातचीत में उसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते है वो फीलिंग लाइक okay, um, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं उसमें लाइक फेमस फ़ादर सर में उसके पर्क्स भी है और उसके क्या बोलते है? थोड़े क्या है वो भी है लाइक यू नो नगेटिव भी हो सकता है उसमें पर्कस ये है कि जब आप जब एक फेमस फादर के बेटे होते हो या डॉटर है तो उसमें आपको रिकग्निशन मिलती है लोगों का अटेंशन आप इंजॉय करते हैं बट उसी उसमें अगर आप कोई गलती करें तो लाइक यू नो उसका डबल आपको क्या है नुकसान भरना भी पड़ता है अब जैसे कि मैं अब पप्पा के फुट में मैं फॉलो करा क्रिकेट खेलना था तो जब मैं क्रिकेट जब खेल रहा था मैं तो क्रिकेट बहुत एंजॉय कर रहा है जब लोगान जो है मुझे अलग तरीके से देखते थे लाइक यू नो एक रेस्पेक्ट जो भी पापा के जो पापा जो अचीव करे उसके वजह से वो एक रेस्पेक्ट मिलती थी बट और एक एडेड प्रेशर ये भी रहता था कि लाइक यू नो वो पहले जैसा आप क्रिकेट बैट पकड़ते कि वो आपको सीधा आपके पापा से कंपेयर करना शुरू कर देते थे तो वहाँ पर क्या बोलते है? एक प्रॉब्लम था क्योंकि पप्पा ऑलरेडी इतने बड़े क्रिकेटर है सोलह साल उन्होंने इंडिया के लिए खेला उसमें से दस साल कैप्टनसी करा तो वो आप एक लेजेंड को क्या बोलते हैं अब उनके बेटे से कंपेयर करना मेरे 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 हिसाब से लाइक यू नो फेयर है नहीं तो आपको जब भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको लोग एक इंडिविजुअल की तरीके से अगर देखेंगे तो एक अच्छा होगा अगर आप कंपेयर करना शुरू करेंगे तो फिर कंपेरिजन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप डायरेक्ट आप एक लेजेंड से आप जब कंपेयर करेंगे तो वो एक प्लेयर के लिए फेयर नहीं है सही है ओके okay, um, आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़ मेरे बारे में आपके बारे में सब में मोस्ट स्वीटेस्ट फेवरेट योर फेवरेट थिंग अबाउट मी आप ही पूरे फेवरेट है मेरे लाइक ऐसा कोई चीज है नहीं कि ऐसा लाइक फेवरेट है ना आपकी बट फिर भी कुछ ना कुछ तो नहीं आई डोंट थिंक सो आप कंप्लीट योर फेवरेट आपका ये ये इसीलिए YouTube वाले इनको पसंद करते हैं इनको राइट चीजा बोलना आता बस नहीं ऐसा कुछ है ना लेकिन राइट है जो है सो मैं फ्रैंक जो है सो मैं रहा हूँ ओके अच्छा ठीक है तो हम लोग को थोड़ा आपके वेट के बारे में बताओ आप वेट पुटॉन कर लिए कैसा लूज करना ट्राई कर रहे हैं सर आप बोलिए फूड हैबिट्स के बारे में बोलिए तो वेट का ऐसा है कि पप्पा को क्या है एक हमेशा से एक ही कॉन्वर्जेसन सब में ज़्यादा रहता कि हमारा वेट बढ़ गया फिट रहना ऐसा रहना वैसा रहना तो अब जैसा एज जैसा बढ़ते रहती तो थोड़ा बहुत तो वेट बढ़ता आपका मेटाबॉलिज्म कम होता तो आप अब जैसे कि आप हैदराबाद में हैं यहाँ का खाना इतना मज़ेदार रहता खाना यहाँ का तो आपका हाथ तो रुकता नहीं आपको हर दो तीन दिन में एक होगा दावत रहती है अब दावत में जाएंगे बिरयानी खाएंगे लाइक मीठा खाएंगे जैसा भी है जो भी है तो वो इम्पॉसिबल है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रेगुलर जो भी है मैं जो कुछ भी खाऊँ बट कल सुबह में जाके वर्कआउट करके एक घंटा वर्कआउट करके जितना बर्न हो सका बर्न करूँ और मेंटेन करूं और वैसा भी मैं ऐसा मोटा हूं नहीं बट जस्ट मुझे एक फ़िटनेस का एक एक शौक है तो मैं वो एक कंटिन्यू करता हूं मैं नाइस nice. ठीक है तो असद का कैसा रहता है, है दो दिन, तीन दिन पूरा वो टूट के फिर बिन जीटिंग पे आ जाते हैं तो दैट इज हमारे घर का रूटीन सडनली डाइट पे बोलते तो सब हंसते अच्छा ये दो दिन का है बोल के हमारे वही दा वही दा, सब हंसते आप लोगों खाना ला मैं इतना डाइट पर है तुम बाहर चलो इधर चलो दावत में चलो अब अब मैं डाइट करना शुरू करूँ तो आप लोगों का हेल्प करना आ ना अगर मैं बोला कि कहीं दावत में भी चलो तो आप लोग बोलना कि नहीं आप लोग चले आना अब आप लेके गए तो क्या है इम्पॉसिबल है डाइट करना सही है ओके okay, तो अ लॉट ऑफ पीपल ये सोचते हैं यू आर द मोस्ट परफेक्ट सो टेल अ नहीं मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई परफेक्ट रह सकता है कोई भी चीज़ में कितना भी बड़ा आदमी रह दो या कोई भी फील्ड का आदमी कितना भी माहिर रह दो परफेक्शन तो आप ला नहीं सकते आपको एवरी हर हर आप जैसा आप जिंदगी गुजारते रहते हैं कि आप हर दिन आपको कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं तो परफेक्ट बोल के ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बट कोशिश करना है कि हम कितना अच्छे से रह सके वैसा रहना चाहिए तो उससे आप लाइक यू नो एक अच्छा रहता है लाइक अब लोग समझते हैं कि परफेक्ट है बट

आई थिंक जब आपसे मैं मिला लाइक यू नो लाइकिनो लग ये कि इंस्टेंटली हुआ कि ऐसा मैं कोई ऐसा सोचा नहीं कि यू नो कि आप लड़की में मैं ये देखूंगा या वैसा देखूंगा जब आपसे मैं मिला इंस्टेंटली कि लाइक यू नो आई थॉट कि आप यू आर द वन फॉर मी लाइक सो बस फीलिंग आई एक 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 गट फीलिंग आई रही नो यू हैव टू फील जो आपकी गट फीलिंग आती है उसे ही आप लाइक नो कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोग क्या है 100 सोचते शादी करने से पहले लड़की ऐसा हो या लड़का ऐसा हो इन्हो ऐसा है ना वैसा है ना वैसा है ऐसा मीकू के आया एक गट फीलिंग आई कि शी वन तो और वो हो गया वो तो मीकू ये बोलो अभी अपनी शादी को ऑलमोस्ट मोर देन 4 इयर्स हो गए वी एंटर्ड आवर 5th ईयर आपको डिफरेंस क्या दिखता है डे वन ऑफ मैरिज और अभी में या अप, अपन कैसा इवॉल्व हुए अपनी रिलेशनशिप कैसी इवॉल्व हुई तो आई थिंक uh, पहले दो तीन साल क्या है लाइक एक हनीमून पीरियड रहता है जिसमें लाइक यू नो आप कुछ भी बोले मैं सुन लिया आया मैं जो भी बोला आप सुन ले हर चीज़ अच्छा अच्छा दिखता बट जैसा थोड़ी शादी थोड़ी <laughs> पुरानी होती तो थोड़े बहुत इश्यू सब में रहते हैं लाइक यू नो तो अब वो लेके चलना पड़ता लाइक यू नो इट्स अ पार्ट एंड पर्सन ऑफ द गेम तो रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आपको रिलेशनशिप ऐसी रहते रहते लाइक अगर आप शादी कर ले तो ये मत समझे कि शादी कर लिए अब प्यार मोहब्बत हमेशा से रहती बट आपको रिलेशनशिप आपकी क्या है वर्क करना पड़ता है अगर आपके रिलेशनशिप पे अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो सकती है तो इट्स अ कांस्टेंट लाइक यू नो वर्क ऑल थ्रू योर मैरिज की यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप वी ऑलवेज टेल एनीबॉडी हु इज गेटिंग मैरिड की देयर इज वर्क इन मैरिज जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड इट डजंट मीन की यू टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड यू हैव टू पुट इन द एफर्ट यू हैव टू स्टिल शो द पर्सन यू लव देम तो हम लोग हमेशा बोलते हैं जो भी हमारे लाइक यू नो मेरे दोस्त हैं या असद के दोस्त हैं जो भी शादी कर रहे हैं वी ऑलवेज से दैट टू देम ठीक है यू नो मोर देन फोर सिंस आर वेडिंग बट एक आदत असद की दैट आई कैन नॉट स्टैंड इज ही वेक्स अप एट सिक्स थर्टी एवरी सिंगल डे नो मैटर वेन ही स्लीप्स कैन यू टॉक अबाउट आप मॉर्निंग पर्सन कैसा है और क्यों है और ये इरिटेटिंग आदत आपको आई का इर इरिटेटिंग आदत नहीं है ये बट uh, मॉर्निंग में हमेशा से मैं जल्दी उठ उठता था मैं क्योंकि जब बचपन से जब मैं क्रिकेट प्रैक्टिस जाता था तो सुबह जाता था प्रैक्टिस अराउंड फाइव थर्टी को उठ के ग्राउंड पर मैं हम लोग की फ़िटनेस स्टार्ट होती थी सिक्स ओ स्टार्ट होती थी तो फाइव थर्टी सिक्स ओ मुझे ग्राउंड पर रहना पड़ता था तो एक वो बायोलॉजिकल क्लॉक का भी सेट हो गई है कि अगर मैं क्रिकेट नहीं भी खेला तो क्या है सिक्स ओ क्लॉक में उठ जा रहा हूँ अब

खुद साते बाला खींचते <laughs> तो भी करते ओके okay, आपके फेवरेट खाने के बारे में बोलो आई नो यू लव द फूड दैट योर मॉम मेक्स और उनो अब जो वहीदा को सिखाए तो tell us a little तो दैट मेरी हमेशा से मेरे को एक ही खाना बहुत पसंद था हमारे नानी जब मैं नानी के साथ बचपन में रहता था तो नानी खट्टी दाल और तलावा गोश्त बेहतरीन बनाते थे तो अगर मेरे को खट्टी दाल और तलावा गोश्त अगर रेगुलरली लंच डिनर भी दिए तो मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ मैं हाँ, तो नानी मम्मा को सिखाए आपके हाँ, और मम्मा फिर, मम्मा फिर, फिर हमारे कुक वहीदा है वो तो वहीदा हमारे लिए जैसा आते हैं हर मंडे को आते ही पहले दाल और खट्टी दाल और तालावा गोश बना देते हैं का फेवरेट है लाइक ही कैन ईट एन ईट ए नीट तो या अब हम आपको बोलो आपके एनिमल्स के बारे में क्योंकि ये घर जो है इधर कभी एनिमल्स अलाउड नहीं थे मैं लाइफ में नहीं सोची थी कि मैं आई अ डॉग इन द हाउस आई अ गोट इन द हाउस एंड आई इन द हाउस तो सबको जैसे कि मालूम है कि मैं एक एनिमल लवर हूँ बचपन से ही मेरे घर में लाइक डॉग्स थे तो जब दुआ पैदा हुई उसके बाद से जब अब जब, जब दुआ so, पैदा होने से पहले फार्म हाउस पे तो थे लाइक घर पे कैसा है मैं बता रहा हूं फार्म हाउस पे बहुत सी चीजें थे लाइक अब मैं रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूं अपने डॉग्स के लाइक यू नो डॉग्स है मेरे पास डिफरेंट फैंसी एग्जॉटिक पिजन्स है फिर लाइक यू नो बहुत से लाइक यू नो चीनी मुर्गियाँ हैं लाइक यू नो देफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एट माई फार्म हाउस तो आई रियली एन्जॉय लाइक यू नो एनिमल्स के साथ जाके वो मेरा एक टाइम होता है जहाँ पे लाइक यू नो जब लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर, करता हूँ तो एक एक पीस एक पीसफुल एक एटमोसफियर रहता है तो दैट टाइम आई रियली वॉन्ट टू लाइक यू नो स्पेंड विध माई पैट्स ही लवस इट और अब ये अब जो घर में जानवर हैं कब तक रहने वाले हैं

पूरे कुत्तों के नाम हमें रखी इस ओके टेल मी टेल एवरीबडी लिटिल अबाउट योर रिलेशनशिप विद माई फैमिली सो मम्मा बाबा इजहान आप ही सबके बारे में थोड़ा बोलिए रिलेशनशिप okay. आपके फैमिली के साथ सबके साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है मेरा बट हैविंग सेड दैट हम लोग अब मैं मेरी फैमिली ऐसा hmm. बोल रही हूं बट ऐसा तो मैं ऐसा नहीं है आपकी फैमिली मेरी फैमिली इट्स लाइक वेरी नॉमल इट इज नॉट लाइक अब आप फैमिली में देखिए अब बाबा के साथ लेकिन जब बैठा तो ज़रा बाबा के साथ ज़्यादा खाना ही करता हूँ मैं लाइक यू ना लाइक एक सीरीस कॉन्वर्जेसन रहता है बाबा के ऊपर लाइक यू नो एक कोई नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेसन रहता है या कुछ समझने की अगर मैं अगर कुछ कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनके साथ बैठ के लाइक होता है हंसी मजाक बट एक थोड़ी एक सीरियस रिलेशनशिप है बाबा के साथ लाइक यू नो एंड एन्जॉय देट थिंग मम्मा के साथ अच्छा टाइम पास होता है या फिर आप ही के साथ भी सानिया आपी के साथ भी अच्छा टाइम पास होता है यहाँ के वहाँ बात ना करते घूमने के बातें करते लाइक यू नो हम लोग जाके यहाँ शॉपिंग करें ऐसा करें तो वो कॉन्वर्जेशन लाइक यू नो वो रिलेशनशिप अलग है और बाबा के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप है और मोर मोर लाइक यू नो एक सीखने को मिलता है बाबा के साथ इजी इसी के साथ तो इज़ माई फेवरेट एक्चुअली इसी के साथ तो आई स्पेंड द बेस्ट टाइम बिकॉज लाइक यू नो अब उसको उठा तो उसके साथ डब्ल्यू डब्ल्यू ई करता तो हूँ मैं उसको उठा था के चोक स्लैम्स है तुम उसको ऊँ एंजॉय करता उसके पीछे भागना उन्हों मेरे पीछे रनिंग रेस हो गई फुटबॉल हो गया बैडमिंटन हो गया तो उसके साथ लाइक नो आई हैव द बेस्ट टाइम इ दिस That's nice. Okay, I think we've covered most of our questions. So now we are coming to the end of it. We are coming to the rapid fire. So meko, बहुत सारे answers but I'm asking for everybody else. But I'm Hello. really bad with rapid fire. Like it's nothing. I think you it's, just cut this out. You like it? Don't worry. Okay, tell me. But ask me like simple questions. Like, like we starting. If there's something I'm not going to answer. Okay, starting. Dogs or birds? I like dogs. Favorite car? Mercedes.

Asad, he's the greatest of all time. No, yeah, of course he is. Like, but I like Matthew Hayden. Like. Minus Mohammad Azharuddin. Favorite actress. Favorite actress. Uh, I think I like kriti Sanon. Favorite model. Uh, favorite model. Uh, Giselle. I knew it. This is why I asked. So then don't ask. <laughs> okay. Favorite tennis player. Favorite tennis player. So, it has to be Nadal. What about that other girl that you like? Who? Pitco. Uh, Petra. Petra Quitova, Quitova, yeah. Yeah. She's good, but like Nadal is like you know the best. Not happy happy no, is also like you know like happy is the greatest I like. I hope you are watching. See now you are putting me in like a spot <laughs> like you know like everyone knows this like you know like. Okay, if you could travel into the past, what one thing would you change? Karte I don't like to change anything I am happy the way my life went so I don't have any regrets so I don't need to change anything Okay one thing you can't live about live without my daughter What about me You are second <laughs> Favorite childhood cartoon Favorite childhood cartoon I like Tom and Jerry Flintstones Captain Planet okay. best minute. way to de stress Best way to de-stress I like to go on the cardio and run like. So I think I'll Okay. I'll be fine with that. What's the emoji that you use the most? I think smiley, like the proper like smile like with your teeth showing. Okay, what did you last Google? Last Google. Check Let me check what did I Google? Mm no. i was reading about something about some company. Okay. Yeah. Uh, what's your favorite cuisine? my favorite cuisine is indian. favorite restaurant in hyderabad. favorite restaurant in hyderabad. there are many restaurants, but uh, golden dragon is one which we usually go a lot to. Chinese. what about b-dubs? b-dubs is also good, but yeah. golden dragon we go a lot. okay, best way to spend a lazy sunday just be at home like you know just chill watch tv your favorite kind of workout as in you mean to say in the gym right like yes gym my favorite workout i think cardio i like cardio like yeah i really want my heart rate to be high and when i'm sweating and all like you know after you finish that workout you really feel good okay your last rapid fire question yeah. you have to pick between the two okay if you had to pick being dua's father or anam's husband Pick one. I'll pick myself. What do you mean? What do you mean? I'll pick both of them. Like I can't like, you know, pick one. You are drowning and you have to pick only one. Pick one. I'll drown myself also. we let's all three drown. <laughs> okay, that was fun. Thank you so much, Asad, for coming. Really had a great time. Thank you. Please next time we are. Here. Thanks. Thanks. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. And we'll be back with another episode of Apne Loga very soon. Thank you.